Yatra yatra raghunatha kirtanam tatra tatra krita mastaka anjalim vaspavari paripurna lochanam marutim namata rakshasantakam nama pitecha madhuram madhuram swarupam karma pitecha madhuram madhura smritischa buddhim prabodhaya prabho madhubodha shaktim vidyam prayatsa paramam paribhavayami komalam kujayan venu Shyamaloyam kumarakah vedavedyam param brahma bhasatam hridaye mama kujantam rama rameti madhuram madhuraksharam aruhya kavita shakham vande valmiki kokilam Nigam kalpataror galitam phalam Shukamukhadamritadravasanyutam Pibata bhagavatam rasamalayam Muhuraho rasikabhu vivavuka Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna Amanina manadena Kirtaniya sada hari Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama Dharma ki adharma ka praniyo mein Vishwa ka gomata ki Gohatya Bharata Akhandaho Hara Hara Mahadeva Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Shri Krishna Govinda Hare Murare Enath Narayana Vasudeva Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Shri
वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। नारायण समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद विद्वद्वृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भक्त प्रवर अर्जुन को प्रबोधित करते हुए कहा, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। संपूर्ण वेदों के द्वारा वेदितव्य मैं ही हूँ, वेदांत का कर्ता हूँ और वेदवेत्ता भी मैं ही हूँ। वेदांत कृत का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया वेदार्थ संप्रदाय कृत, ताकि वेदों में पौरुषेयत्व की प्राप्ति न हो। वेदांत कहते हैं उपनिषद को, उपनिषद वेदों का शिरोभाव है। पूर्वोत्तर मीमांसा के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं, तो वेदांत के कर्ता यदि भगवान माने जाएंगे तो वेद के कर्ता भी सिद्ध होंगे, और वेद का कर्ता जब भगवान को मानेंगे तो वेद पौरुषेय सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान के वचन के अभिप्राय को हृदयंगम करने वाले सर्वज्ञ भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने वेदांत कृत का अर्थ किया वेदार्थ संप्रदाय कृत। श्रीमद्भागवत में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरया। आदि कवि का अर्थ हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ शब्द ब्रह्मात्मक वेद है, हृदय का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया मनसैव। भगवान ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों को अभिव्यक्त किया, वेदार्थ विज्ञान से उनके हृदय को विभूषित किया। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या, यहाँ भी भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अर्थ का अध्याहार किया। कल यहाँ तक प्रवचन चला कि समग्र वेदों के प्रतिपाद्य भगवान ही सिद्ध होते हैं, उन्हीं में वेदों का तात्पर्य सन्निहित है। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में उद्धव जी के प्रति भगवान का एक उपदेश सन्निहित है, माम विधत्ते, कर्मकांड पर श्रुतियाँ मेरा ही विधान करती हैं,
उपासना कांड परक श्रुतियों में इंद्रादि देवों के रूप में मेरा ही यशोगान प्राप्त है और ज्ञान कांड परक श्रुतियाँ मुझ में ही सृष्टि का ध्यारोप करके अपवाद भी करती हैं। इस प्रकार कर्मोपासना ज्ञान तीन कांडों में विभक्त श्रुतियों का हृदय परम तात्पर्य एकमात्र में ही सिद्ध होता हूँ। बहुत सुगम प्रक्रिया यह है कि भगवान उपनिषदों के आधार पर सृष्टि के न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होते हैं। तदैक्षत सईक्षण चक्रे शोकामयत आदि श्रुतियों के अनुसार वे निमित्त कारण सिद्ध होते हैं। बहुश्याम प्रजायेय सर्वं खल्विदं ब्रह्म आदि श्रुतियों के अनुसार वे उपादान कारण सिद्ध होते हैं। इन श्रुतियों का तात्पर्य श्री कृष्ण द्वैपायन वादरायणाचार्य भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र में सन्निहित करते हुए कहा, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृतिश्च का अर्थ होता है उपादान कारण, और उपादान कारण केवल निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी वेदांत वेद्य ब्रह्म तत्व ही सृष्टि का सिद्ध होता है। इसमें हेतु दिया प्रतिज्ञा, ऐसी श्रुति ने प्रतिज्ञा की है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है। तदनुकूल दृष्टांतों को प्रस्तुत किया है। बहुभवन सामर्थ्य जिसमें हो उसको उपादान कारण कहते हैं। एक से अनेक होने की शक्ति या क्षमता जिसमें सन्निहित हो उसको उपादान कारण कहते हैं। मिट्टी में घट, कुल्लर, सकोरे आदि विविध रूपों में व्यक्त होने की शक्तियाँ सन्निहित हैं, मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं। सुवर्ण में कटक, मुकुट, कुंडल आदि विविध आभूषण और पात्रों के रूप में व्यक्त करने की शक्ति सन्निहित है, क्षमता सन्निहित है, इसलिए सुवर्ण को उपादान कारण कहते हैं। बहुभवन सामर्थ्य से संपन्न होने के कारण भगवान केवल निमित्त ही नहीं अपितु सृष्टि के उपादान कारण भी सिद्ध होते हैं। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है, तदनुकूल दृष्टांत भी है। जिनके यहाँ एक विज्ञान से सर्व विज्ञान सिद्ध नहीं है उनके यहाँ कोई भी तत्व वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होता। अब सांख्यों को लें, उनके यहाँ तो कम से कम दो तत्व सिद्ध होते हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के विज्ञान से महत्तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत जितना भी कार्य वर्ग है सबका विज्ञान हो जाएगा, लेकिन पुरुष का विज्ञान नहीं होगा। प्रकृति तो अच्युत है। अब पुरुष भी उनके यहाँ एक नहीं, विभु होता हुआ असंख्य। पुरुष के विज्ञान से प्रकृति का विज्ञान अवशिष्ट रह जाएगा। तो सांख्यों के प्रस्थान में वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कोई तत्व नहीं, इसलिए अपूर्ण है। इसका अर्थ हुआ कि अनंत कोटि का कोई पदार्थ उनके यहाँ नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कोई तत्व होना चाहिए। तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य उनके यहाँ कोई तत्व ही नहीं है सांख्यों के। अब योगी पुरुष विशेष के रूप में क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। उनके यहाँ जगत का निमित्त कारण ईश्वर सिद्ध होता है, उपादान कारण प्रकृति या प्रधान या व्यक्त को वो मानते हैं।
एक बार 22 साल पहले मैंने कोलकाता में सृष्टि का निमित्त कारण योगी ईश्वर को मानते हैं सार्वजनिक सभा में कहा। एक दंडी स्वामी श्री ऋषिकेश आश्रम के शीलवान हैं, योग्य हैं। एकांत में उन्होंने कहा कि आपने यह गलत कहा। मैंने मुस्कुरा दिया। ब्रह्म सूत्र में पति के नाम पर एक अधिकरण है, उसमें बताया गया कि सांख्यों का निराकरण तो कर दिया गया, इसी से योग का भी निराकरण समझ लेना चाहिए। उस पर जो शंकर भाष्य है उसमें पाशुपत मत का वर्णन है और योगियों के मत का भी वर्णन है। तो स्वयं शंकराचार्य जी महाभाग ने लिखा पाशुपतों के यहाँ और योगियों के यहाँ ईश्वर जगत का उपादान कारण सिद्ध नहीं है, केवल निमित्त कारण सिद्ध है। अब शंकर भाष्य से अधिक प्रमाण क्या होगा? तो योगी भगवान को जगत का निमित्त कारण मानते हैं, सांख्यों के यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान अव्यक्त या त्रिगुणमयी प्रकृति, वेदांतियों के यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, योगियों के यहाँ निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है, वैशेषिकों के यहाँ नैयायिकों के यहाँ निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो योगियों के यहाँ भी तीन तत्व हो गए कम से कम, एक प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रधान, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष विशेष ईश्वर, उनके यहाँ भी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ नहीं होती। नैयायिकों वैशेषिकों के यहाँ तो नित्य पदार्थों की भरमार, हमारे पास श्रृंगेरी से प्राप्त एक न्याय का ग्रंथ है जिसे श्रृंगेरी के पूर्वाचार्य जी सिरानी के पास लेकर सोते, वही ग्रंथ मेरे पास है या नहीं, तो उस नामक ग्रंथ मेरे पास गोपाल कृष्ण मूर्ति जी से प्राप्त हुए, यहीं पर जब रहता था 22 साल पहले हमने उसका कई बार अध्ययन किया, न्याय का बहुत अच्छा ग्रंथ। तो वैशेषिकों के यहाँ नैयायिकों के यहाँ तो पृथ्वी के परमाणु भी नित्य हैं, जल तेज वायु के परमाणु भी नित्य हैं, आकाश भी स्वरूप से नित्य है, मन भी स्वरूप से नित्य है, दिक् काल भी स्वरूप से नित्य है, आत्मा भी स्वरूप से नित्य है, गुणों में भी बहुत से गुण हैं जो नित्य हैं, पांच प्रकार के कर्म अनित्य होते हैं, कर्म मात्र अनित्य हैं, सामान्य भी नित्य है, विशेष भी नित्य है, अभाव में भी नित्यत्व की प्रसक्ति आ जाती है, उनके यहाँ तो नित्य पदार्थों की भरमार। इस दृष्टि से विचार करने पर वैशेषिक प्रस्थान हो तो, नैयायिकों का प्रस्थान हो तो, सांख्यों का प्रस्थान हो तो, योगियों का प्रस्थान हो तो, पूर्व मीमांसकों का प्रस्थान हो तो, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ नहीं होती, अर्थात वस्तुकृत परिच्छेद शून्य उनके यहाँ कोई तत्व ही प्राप्त नहीं होता। आजकल मैटर इज नथिंग बट एनर्जी कहते हैं, पदार्थों में विविधता परिलक्षित होती है, उन विविधताओं के मूल में एनर्जी ऊर्जा एक सन्निहित है, लेकिन वह ऊर्जा या एनर्जी जड़ है या चेतन, जगत उसका परिणाम है या विवर्त, इन सब प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं है, केवल वेदांतियों के पास। इस दृष्टि से विचार करें तो वेदांत दर्शन की या उपनिषदों की या पूर्वता है कि यहाँ सच्चिदानंद तत्व अचिंत्य माया शक्ति के योग से जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होता है। जब हम भगवान को निमित्त और उपादान दोनों कारण मान लेते हैं
तब वेदस्थ सर्वैर हमेव वेद्या, इस पहली का समाधान बहुत सुगम हो जाता है। तब हम भगवान के तीन विभाग कर देते हैं समझने के लिए, कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म कार्य कारणातीत पर ब्रह्म। कार्य ब्रह्म का अर्थ होता है, सांख्य की दृष्टि से विचार करें तो महत्त्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत, वेदांत की दृष्टि से विचार करें तो आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत। इसमें इनमें तादात्म्यपन्न जो चेतन है उसको कार्य ब्रह्म कहेंगे, कार्योपाधिक चित धातु का नाम कार्य ब्रह्म। हिरण्यगर्भ और विराट ये जीव हैं कार्य ब्रह्म। कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। शुक्र रहस्योपनिषद, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद और त्रिपुरा तापनी उपनिषद के अध्ययन से यह तथ्य सिद्ध होता है कि कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधि ईश्वर। अब कारण ब्रह्म में कौन लेंगे? प्रकृति लेंगे। प्रकृति जिसकी उपाधि है वो परमात्मा लेंगे। इसी के आधार पर आगे दो प्रकार के पुरुष का वर्णन शंकराचार्य करेंगे। मूल में यह श्रुति है, कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। आगे जो दो प्रकार के पुरुष और पुरुषोत्तम का वर्णन है उसको ठीक से समझने के लिए शुक्र रहस्योपनिषद का यह वचन हृदयंगम करना आवश्यक है, कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। तो दो प्रकार की भगवान की उपाधि हो गई, एक हो गई कार्य कोटि की उपाधि, एक हो गई कारण कोटि की उपाधि। कार्य कोटि की उपाधि के दो भेद हो जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। कारण कोटि की उपाधि प्रकृति या माया है, भगवान जो हैं वो दोनों उपाधियों से अतीत हैं। औपाधिक धरातल पर जब वो कार्योपाधि कहे जाते हैं तब उनकी जीव संज्ञा होती है, जब वो कारणोपाधि कहे जाते हैं तब उनकी ईश्वर संज्ञा होती है। उपाधि की प्रधानता से शंकराचार्य ने वर्णन किया आगे, वैष्णवाचार्य इत्यादि ने उपाधि की प्रधानता से वर्णन नहीं किया, इसलिए प्रायः आगे जो श्लोक आएगा दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन उसमें बहुत अरुचि रखते हैं वैष्णवाचार्य इत्यादि। बहुत से वेदांती भी अरुचि रखते हैं। आनंद गिरी जी ने एक संकेत कर दिया, ये जो दो पुरुष हैं क्या प्रकृति या पुरुष ही हैं ये या और कोई, ऐसा आनंद गिरी ने दिया। उनके व्यावर्तन के लिए कहा कि नहीं, कार्य प्रपंच और प्रकृति या माया। तो मैंने संकेत किया, जब भगवान को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं तो वेदस्थ सर्वैर हमेव वेद्या की पहली बहुत सुगम हो जाती है। क्यों सुगम हो जाती है? आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच के रूप में भी भगवान ही व्यक्त हैं माया के द्वार से, और स्वतः तो भगवान भगवान है ही। तो श्रुतियां किसका प्रतिपादन करेंगी? या तो कार्य का प्रतिपादन करेंगी या कारण का प्रतिपादन करेंगी। कार्य के द्वार से भी भगवान का ही प्रतिपादन करेंगी, कारण के द्वार से भी भगवान का ही प्रतिपादन करेंगी। तो वेदस्थ सर्वैर हमेव वेद्या, इस पहली को सुगमता पूर्वक, जिसको आजकल शॉर्टकट कहते हैं, सुलझाने के लिए भगवान को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मान लीजिए। इसका अर्थ हुआ कि कार्य के रूप में भी भगवान, कारण के रूप में भी भगवान, स्वतः कार्य कारणातीत भगवान। तो वेदस्थ सर्वैर हमेव वेद्या की पहली बहुत सुगमता पूर्वक शांत हो जाती है। गैस बनने के कारण पानी पीना पड़ता, भोजन करके या जलपान करके नहीं आया हूं, फिर भी पूरी में 8 लीटर पीना पड़ता है रोज, और यहाँ पर 5 लीटर, वहां गैस ज्यादा बनता।
अब लीजिए कर्म कांड उपासना कांड ज्ञान कांड की दृष्टि से वेदस्थ सर्वैरमेव वेद्या का अर्थ करें। कल यहाँ पर प्रवचन को विराम दिया गया था कि कर्म कांड यज्ञ बहुत है अथवा जितने कर्म हैं उनकी सिद्धि दो से हो जाती है, कस्मै देवा या हविषाविधेमा, इस श्रुति को ध्यान में रखना चाहिए। कर्मकांड परक वचन का तात्पर्य समझने के लिए कस्मै देवाय हविषाविधेमा इस श्रुति का हृदयंगम करना चाहिए। इसमें कस्मै देवाय देवता शब्द का प्रयोग है, देव शब्द का, हविषा हवन हवनीय सामग्री का प्रयोग है, विधेमा है उसे यजमान का संकेत मिलता है, ऋत्विक आचार्य का संकेत मिलता है, लेकिन विशेष करके द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही आग है। देवता के निमित्त द्रव्य का समर्पण है, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, इदम इंद्राय, इदम से हवनी सामग्री का इंद्राय, इंद्राय से देवता का ग्रहण हो गया। इसलिए मत्स्य पुराण ने यज्ञ को परिभाषित किया है कि द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही यज्ञ होता है, और जितने कर्म कांड होंगे देवता को ताक पे रख के तो कर्म कांड की सिद्धि नहीं होगी। और एक बहुत विचित्र बात है, शास्त्रार्थ शास्त्र में पारंगत होने के लिए ये सब समझना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको अंतरंग रहस्य बताया, आज हम बता रहे थे कार में इनको, विद्या चमकती रहनी चाहिए, जंग न लगे, इसका उपाय बताया, अध्ययन करो, अधिकृत हो अध्यापन करो, अध्ययन अध्यापन से पढ़ने पढ़ाने से विद्या उद्दीप्त रहती। पूज्य गुरुदेव दोनों पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे। फिर तीसरी बात क्या है, प्रवचन, स्वाध्याय और प्रवचन का महत्व धनमान के लिए नहीं, आत्मकल्याण के दृष्टि से। तैतृय उपनिषद में स्वाध्याय और प्रवचन इनके प्रति प्रमाद को जघन्य अपराध माना गया है। स्वाध्याय प्रवचन, प्रवचन स्वाध्याय, प्रवचन अध्ययन अध्यापन प्रवचन, अध्यापन और प्रवचन में कुछ अंतर होता है। अध्यापन में तो पंक्तियों का अनुगमन करके शब्द का अनुगमन करके बोलना होता है, और प्रवचन में अपनी ओर से जो कुछ अध्ययन प्राप्त है उसको सारांश के रूप में गुम्फित करके दृष्टांत आदि देकर आख्यायिका कथा भाग का आलंबन लेकर उसका प्रतिपादन होता है। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा लेखन, मैं जाता पूछते पहली बार मिलता, लिख रहे हो या नहीं, कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो, लेखन। उसके बाद दूसरों का मान मर्दन करने के लिए नहीं, बोधयंता परस्परम वादा प्रवदता महम, बितंडावाद नहीं, वादा प्रवदता माम शास्त्रार्थ। पूज्य गुरुदेव के सब सदे थे, शास्त्रार्थ का क्या कहना, प्रवचन का क्या कहना, लेखन का क्या कहना, अध्ययन का क्या कहना, अध्यापन का क्या कहना, ये चीज तो इनको अपनाना चाहिए, नहीं तो विद्या जंग लग जाती, फिर नहीं काम देती। श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य महाभाग के पास में 3 महीने 87 दिन रहा, 87 दिन। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, ब्रह्मचारी बताओ मेरे जैसा विद्वान मिलना कठिन है ही नहीं कोई, होता ऐसे ही बोलते थे, अभिमानी नहीं थे लेकिन वाणी अभिमानी जैसी होती थी, लेकिन निष्कपट थे। बताओ मेरे समान कोई विद्वान है तो गिरा देना। अब मैं मुस्कुरा, तब शंकराचार्य से मुँह क्या लगाऊँ, ये तो उत्तर प्रदेश में ज्योतिर्मठ का जो विवाद चला ना उत्तराखंड,
इसने तो असली नकली सब शंकराचार्य का स्तर ही गिरा दिया, नकली तो जो कुछ होते हैं। इसलिए ये पूर्व पश्चिम और उत्तर में शंकराचार्य के प्रति जितना आकर्ष जोशी मठ के विवाद को ग्रंथ और मंच का विषय बनाने के कारण हो गया, किसका उत्कर्ष हुआ ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पद का अत्यंत आकर्ष हो गया। दक्षिण में भी विवाद कांची सिंगरी को लेकर था, लेकिन उसने मंच का रूप धारण नहीं किया, इसलिए लगभग शंकराचार्य के प्रति लगभग आस्था बनी रही, न्यून हुई ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन बनी रही। इधर तो कोई भी कह देता शंकराचार्य कौन होते, मैं ही शंकर, माने इतना इतना निकृष्ट भाव, हम शंकराचार्य हैं, गद्दी को प्रणाम करके बैठते, शंकराचार्य का पद गद्दी को हम प्रणाम करके बैठते। लेकिन तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, श्रृंगेरी के मन शंकराचार्य जी ने कहा देखो 3 घंटे न्याय की कक्षा चलती है, तुम भी बैठते हो उसमें, गोपाल कृष्णमूर्ति पढ़ाते थे, इस समय जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है, वो पढ़ते थे, गोपाल कृष्णमूर्ति पढ़ाते थे, संरक्षण का काम श्रृंगेरी के शंकराचार्य करते थे। तो उन्होंने कहा 3 घंटे में न्याय की कक्षा में बैठता हूँ और बंद कमरे में 3-4 घंटे रोज और पढ़ता हूँ, अब बोलो मुझे क्यों, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, ऐसे ही बोलते थे। तो हमने कहा बताइए क्या कारण है कि आप इतना पढ़ते हैं, कक्षा में बैठते हैं। उन्होंने कहा एक पादरी आ गया, उसने दाव फेंका मुझको क्रिश्चियन बनाने का, अपने मत से प्रभावित करने का। तब मैंने शिक्षा ली, विश्व का मूर्धन्य सर्व दर्शनों का पारंगत विद्वान, वैसे ही बोलते थे अपने लिए, मुझ पर भी एक दाव फेंक रहा है तो ये जो हिंदू है मेरे चेले चपाटी, इनको तो ये खा जाएंगे, भविष्य में ये रहने नहीं देंगे, इनका इतना साहस कि मुझ शंकराचार्य को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शास्त्र इतना तलवार की धार जैसे चमकीली हो, डम प्रहार करने में काटने में समर्थ हो, ऐसे शास्त्र इतना चमकता हुआ हो कि बस विपक्षियों के जितने भी कुतर्क हैं उन सब का भेदन करने में समर्थ हो और अंत में अंतःकरण को शीतलता प्रदान करने में समर्थ हो। फिर मुझको कहा कि मेरी इस बात को तुम गांठ बांध लेना, स्वाध्याय अध्ययन से कभी उपराम मत होना। तो उन्होंने आदेश दिया और मेरी तो रुचि स्वाभाविक रूप से अध्ययन में थी, फिर पूज्य गुरुदेव ने ये उपदेश दिया तो हमने एक संकेत किया। तो यहाँ चल रहा था कि जब भगवान ही निमित्त और उपादान कारण है तो भगवान ही वेदों के परम वेद्य हैं, तात्पर्य हैं, श्रुतियाँ चाहे कार्य का वर्णन करें, चाहे कारण का वर्णन करें, चाहे उपनिषदों में कहीं कहीं कार्य कारणातीत परब्रह्म का वर्णन करें, कथम चरंति श्रुतया वेदस्तुति, तो कार्य जैसे गंगा जी में इधर गोता लगावे इधर लगावे उधर लगावे, आखिर गंगा जी में गोता लगाना सिद्ध होगा, इसी प्रकार वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या, इसकी व्याख्या के बाद हम द्रव्य और देवता पर आए। तो द्रव्य के रूप में भी श्रुतियाँ प्रतिपादन किसका करती हैं, कर्मकांड हो। तो मैंने एक संकेत किया था, कभी कभी जिनके नाम पर जो पेटेंट होता है चुलबुली भाषा में, दूसरा कोई बाजी मार के उनकी चीज को भी अपने यहाँ भी चमका देता है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैंने प्रवचन को विराम दिया था, श्रृंगेरी की ओर मोड़ दिया था। वो क्या है, कर्मकांड कहते ही पूर्व मीमांसा का स्वरूप सामने आ जाता है, कर्म प्रधान ही वो हैं, उपासना और कर्म तक उनकी सीमा होती है। जहाँ तक ज्ञान कांड का वर्णन आया तो उन्होंने कहा ये हमारी सीमा के बाहर की चीज, भट्टपाद कुमारिल जी ने कहा कि हमारी सीमा के बाहर की चीज है, इसके उपनिषदों की ओर जाओ, हम जिस सीमा में बांधे हैं उसमें उस तत्व का प्रतिपादन नहीं कर सकते,
वेदांत विषयवर्ण इस विषय में कर्ता भोक्ता आत्म तत्व नहीं है, अकर्ता भोक्ता है, इस बात को जानना चाहते हो उधर जाओ। हम जिस प्रस्थान में बंधे हुए हैं वहां तो आत्मा को कर्ता भोक्ता सिद्ध करेंगे। तो कर्मकांड कहते ही पूर्व मीमांसा का ध्यान आता है, लेकिन पूर्व मीमांसा का चित्रण करते ही यज्ञ का ध्यान आता है। यज्ञों से भरपूर हैं वेद आदि। अब यज्ञ का ध्यान आते ही द्रव्य और देवता की प्राप्ति होती है। देवता का पक्ष बहुत दुर्बल है पूर्व मीमांसा। देवता अधिकरण अभी पढ़ाने का अवसर मिला शंकर भाष्य भामति टीका सहित पुरी में। देवता का पक्ष बहुत दुर्बल है, इसलिए कर्मकांडी कहे जाते हैं पूर्व मीमांसक, लेकिन वस्तुतः कर्मकांड का पक्ष ही उनका बहुत दुर्बल है, शिथिल है। उत्तर मीमांसक कर्मकांड में भी बाजी मार गए। बाजी मार गए का मतलब क्या है? इनके यहाँ देवता चेतन है, हमारे यहाँ इंद्रादि देवता चेतन है, त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। उनके यहाँ आदित्य शब्द का, इंद्र शब्द का, रुद्र शब्द का, विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ श्रुति में। तो श्रुति ने जिस देवता शब्द का वो कहा है वो शब्दात्मक ही देवता होते, उनका कोई विग्रह स्वरूप चेतन ऐसा नहीं कुछ। इसलिए यहाँ पर कर्मकांडी के रूप में प्रसिद्धि होती है पूर्व मीमांसकों की, और कर्मकांड का पक्ष ही उनका बहुत दुर्बल होता है। यदि अंतरंग है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है कि कौन दर्शन कहाँ पर कमजोर है। जैसे सर्प, सर्प के जो शिकारी होते हैं उनको मालूम होता है कि सर्प का कौन सा अंग कमजोर है, वहीं वार करते हैं। ऐसे जितने भी योद्धा होते हैं वो जानते हैं कि किसका कौन सा अंग दुर्बल है, वहीं पर वार करते हैं। तो पूर्व मीमांसकों के यहाँ कर्म की चर्चा बहुत है, कर्मकांडी ही वो गिने जाते हैं। कर्म उपासना तक ही उनकी गति है, ज्ञान कांड को मानते ही नहीं। लेकिन स्थिति यह है कि कर्म की सिद्धि द्रव्य और देवता से होती है, और देवता को लेकर बहुत दुर्बल प्रस्थान है। शब्दात्मक ही देवता है, शब्दात्मक ही देवता है, तो शब्द के लिए आहुति प्रदान करें क्या? इसलिए कर्मकांड की दृष्टि से विचार करें तो देवता का कोई स्वरूप ही पूर्व मीमांसकों के यहाँ सिद्ध नहीं होता। अतः उत्तर मीमांसक ये जो आजकल के वेदांती कर्मकांड को फू कर देते हैं बिना अपनाए, उनकी आंखें खोलने के लिए यह बहुत बड़ा वाक्य है कि कर्मकांड जितना प्रशस्त वेदांत प्रस्थान में है उतना प्रशस्त उनके यहाँ नहीं है। कर्मकांड की विधा पद्धति तो हम लेंगे, लेकिन देवता के बिना और द्रव्य के बिना कर्मकांड की सिद्धि नहीं होगी। समर्पण किसके प्रति? देवता के प्रति। वो देवता अगर शब्द ही होंगे, बंध्या शब्द है, अर्थ उसका कुछ नहीं है। ऐसे इंद्र केवल शब्दात्मक देवता हैं, आदित्य केवल शब्दात्मक देवता हैं, वरुण केवल शब्दात्मक देवता हैं, तो समर्पण शब्द के प्रति किया जाएगा या शब्दार्थ के प्रति? अर्थ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए देवता का पक्ष बहुत दुर्बल है उनके यहाँ। इस दृष्टि से विचार करने पर अब द्रव्य की ब्रह्मरूपता और देवता की ब्रह्मरूपता सिद्ध कर देंगे तो कर्मकांड के द्वारा वेद्य भगवान है या तथ्य सिद्ध हो जाएगा। तो कल बताया गया था द्रव्य क्या है? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। अब जितनी वनस्पतियां, इन सब का उपयोग होगा, इनका उद्भव का क्रम तो यही होगा ना, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। अब यज्ञ में तो सब का उपयोग होता है, शब्द गुण का भी उपयोग होता है, स्पर्श का भी उपयोग होता है, रूप का भी उपयोग होता है, दुग्ध इत्यादि रस का भी उपयोग होता है, और चंदन इत्यादि गंधयुक्त द्रव्य का भी उपयोग होता है। इसी प्रकार से विचार करें तो अग्नि का उपयोग है ही, और जल का उपयोग होता ही द्रव्य। ये जो द्रवावस्था को प्राप्त दुग्ध इत्यादि हैं वो तो आपोमय हैं, पार्थिव तो गेहूँ इत्यादि का, जौ इत्यादि का उपयोग होता ही है। इसलिए कहा गया कि जब भगवान ही आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी बने हैं तो
तो समझना चाहिए कि द्रव्यात्मक भगवान हैं और एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की दृष्टि से विचार करें तो देवताओं के रूप में भी भगवान की ही अभिव्यक्ति है। अब देव प्रभेद पर विचार करना भी आवश्यक होता है। यहाँ पर एकम सद विप्रा बहुधा वदंती में सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर 10 देवताओं का वर्णन सिद्ध होता है और 10 ही दिक्पाल होते हैं। दिक्तत्व एक है लेकिन दिक् का विभाग 10 है। विभाग कोई ऐसे कल्पित नहीं है, पूर्व की ओर से हवा चले तो उसका प्रभाव अलग होगा, पश्चिम की ओर से हवा चले तो उसका प्रभाव अलग होगा, उत्तर की ओर से हवा चले तो उसका प्रभाव अलग होगा, दक्षिण की ओर से हवा चले तो उसका प्रभाव अलग होगा। 8 में 4 कोण की ओर से, कोण पूर्व उत्तर पूर्व और दक्षिण के कोण से, ऐसे ही आग्नेय इत्यादि कोण से हवा चले उसका प्रभाव अलग होगा। इसीलिए ये जो वेदांती द्रुत अपवाद को अपनाते हैं इससे उनके जीवन में दिव्यता नहीं आती। क्या जैसे हवाई जहाज का आलम्बन लिया, झट से पहुंच गए, हजारों किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर ली, उससे तत्त्व घाटी का ज्ञान नहीं होगा ना। इसलिए जो वेदांतियों के यहाँ साधना का पक्ष दुर्बल क्यों हुआ, द्रुत अपवाद की शैली अपना ली। यहाँ पर जिसका अपवाद करते हैं उसमें जो दिव्यता सन्निहित है उस दिव्यता को आत्मसात किए बिना अगर अपवाद करते हैं तो मौखिक अपवाद होगा, उससे काम नहीं बनेगा। जिस तत्व में जो दिव्यता है उसको आत्मसात करेंगे तो ऊपर का जो तत्व है उस तत्व में मन के सन्निवेश की क्षमता होगी। यह शास्त्रीय प्रक्रिया है। अब जिनका चित्त उन सब दिव्यताओं से पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से संपन्न है उनके लिए द्रुत अपवाद है, नहीं तो हर व्यक्ति अगर द्रुत अपवाद को अपनाएगा तो उसका ज्ञान उसको मार देगा। इसीलिए कहा कि द्रव्य की भगवत रूपता सिद्ध हो गई, अब देवता में भेद कहाँ से प्राप्त होता है, तो दिक् के भेद से देवता में भेद प्राप्त हो गया, वही का नाम दिक्पाल हो गया। प्राच्याय नमः प्राची दिक्, तो इंद्राय नमः आग्नेयाय नमः अग्नये नमः दक्षिणाय नमः यमाय नमः नैऋत्ये नमः नृतये नमः प्रतीच्याय नमः वरुणाय नमः वायव्याय नमः वायवे नमः उदीच्याय नमः कुबेराय नमः ईशान्याय नमः ईशानाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ब्रह्मणे नमः अधराय नमः अनंताय नमः। 10 दिक् के भेद से 10 देवता हमको प्राप्त हो गए। अब देवता में हम संक्षेप करें, दिक् के भेद से दिक् अवच्छिन्न जो चैतन्य या दिक् की उपाधि वाला जो चैतन्य वही 10 देवताओं के रूप में व्यक्त हैं। ऐसा अर्थ करने पर क्या होगा, द्रव्यात्मक भी भगवान और देवता देवस्वरूप भी भगवान, देवतात्मक भी भगवान सिद्ध हो जाएंगे। अब फिर वो चार दिशा को ले लें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 4 देवता हो गए। पूर्व के देवता इंद्र हो गए और दक्षिण के देवता यम हो गए, पश्चिम के देवता वरुण हो गए, उत्तर के देवता कुबेर हो गए। अब इनमें तादात्म्यापत्ति चलती है, कल जो वेदों का वर्णन किया गया इंद्र के साथ अग्नि की तादात्म्यापत्ति हो जाती है तब ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हो जाती है, और यम के साथ वायु की तादात्म्यापत्ति हो जाती है तो यजुर्वेद की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से वरुण जी के साथ आदित्य की सूर्य की तादात्म्यापत्ति हो जाती है तो सामवेद की अभिव्यक्ति हो जाती है, और उधर कुबेर के साथ चंद्रमा जी की तादात्म्यापत्ति कर लें तो अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हो जाती है। 8 देवता का सन्निवेश 4 में हो गया। इस प्रकार से देवताओं को भी हमने 10 से 4 में जा करके सन्निहित कर दिया। केवल हम दिक् को ले लें, दिक् का विभाग न करके, तो दिक् अवच्छ जो चैतन्य और दिक् से उपहित जो चैतन्य वो कौन हो जाएंगे, हिरण गर्भात्मक देवता, एक देवता की सिद्धि हो गई। इस प्रकार से फैला करके अध्ययन करना, फिर धीरे धीरे समाज शैली से अध्ययन करना, तो केवल दिक् तत्व को लेंगे, दिक् के हम 10 विभाग नहीं करेंगे,
ऊर्ध्व जो दिक है उसके जो देवता ब्रह्मा जी हैं, हिरण्य गर्भ जो हैं, वही वास्तव में दिक तत्व, दिक के 10 विभाग न करें तो ऊर्ध्व जो ब्रह्मा जी हैं, ऊर्ध्व दिक के जो अधिपति ब्रह्मा जी हैं, वही दिक तत्व के देवता हो जाएंगे। अब हमारे पास एक देवता रह गए, कौन? हिरण्य गर्भ। उनको श्रीमद् भागवत में कहा गया सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। जितने देवता हैं सबकी अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी से, और जितने जीव हैं सबकी अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी से। ये और अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी पंचीकृत या त्रिवृत्त कृत या पंचीकृत जितने पदार्थ हैं उन्हीं से यज्ञ की सिद्धि होती है। वो सब उसके रचयिता भी ब्रह्मा जी ही हो गए एक जीव। इस दृष्टि से हमने क्या किया कि ब्रह्मा जी तक पहुंच गए और ब्रह्मा जी की ब्रह्मरूपता सिद्ध कर देंगे। ब्रह्मा से आकी ब्रह्मा का अर्थ वेद होता है, ब्रह्म को ही ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म का अर्थ वेद होता है। शब्द ब्रह्म और ब्रह्मा, शब्द ब्रह्म के धारक जब बनते हैं तब भगवान का नाम ब्रह्मा होता है। ये ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म के आगे आ की मात्रा क्यों लग गई? ब्रह्म का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। यहाँ पर ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों को लिया भागवत में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, आदि कवि माने ब्रह्मा, और ब्रह्म माने वेद, वेद का ज्ञान दिया या वेद को प्रेषित किया। हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे इस श्रुति के अनुसार तो वेद को दिया किनके प्रति? जिनके प्रति दिया उनका नाम हो गया ब्रह्मा। वेद के धारक तत्व का नाम हो जाता है ब्रह्मा। इसका मतलब शब्द ब्रह्म के धारक जो हैं उनका नाम हो गया ब्रह्मा। तो ब्रह्म ही, परब्रह्म ही शब्द ब्रह्म के जब धारक बन जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है शब्द ब्रह्म से उपहित चैतन्य ब्रह्मा। इस तरह से ब्रह्मा का अर्थ करेंगे तो ब्रह्मा को सीधे परब्रह्म तक पहुंचाने में समर्थ होंगे। तो कर्म कांड का पर्यवसान हो गया। अब उपासना कांड को ले तो जैसे दो विभाग किया द्रव्य और देवता, वैसे उपासना कांड में दो विभाग क्या करेंगे? भजनी और भजन। सीधी बात है, भजन करने वाले जैसे यजमान का उल्लेख यहाँ नहीं किया, भजन करने वाले के मूल में भी भजनी और भजन। द्रव्य के स्थान पर यहाँ हम लेंगे भजन को, और देवता के स्थान पर लेंगे भजनी को। भजनी और भजन ये उपासना है। भजनी और भजन, भजन किस द्रव्य के द्वारा सिद्ध होगा? मन के द्वारा, अंतकरण के द्वारा, वाणी के द्वारा, वो द्रव्य हो गए। भजन की सिद्धि करण के द्वारा होगी ना, वो करण में फिर वाकेंद्रीय है, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, अंतकरण। और मन से ही जब भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्येय और ध्यान, तो मन रह जाएगा द्रव्य के स्थान पर, द्रव्य के स्थान पर मन ही रह जाएगा, देवता के स्थान पर भजनी परमात्मा हो जाएंगे अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं। अब हम भजन को भी भजनी तक पहुंचा देंगे, भजन और भजनी में तादात्म्य पत्ति हो जाएगी, एक रूपता हो जाएगी, तो भेद मिट जाएगा। इस प्रकार सीधे उपासना कांड के द्वारा भी भगवान ही प्रतिपाद्य हो गए। क्यों? क्रिया के द्वारा करण कारणवान होता है, छिदिक क्रिया के द्वारा छैनी इत्यादि जिससे हम छेदन करते हैं, छिदिक क्रिया के द्वारा छेदन करने वाले करण का अनुमान होता है, करण के द्वारा प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान होता है, और करण निरपेक्ष कर्ता का अर्थ ही परमात्मा हो जाता है, आत्मा हो जाता है। कहाँ लिखा है? तक्षाधिकरणम ब्रह्म सूत्र में। तक्षा माने बढ़ई, बढ़ई वृक्ष इत्यादि का छेदता होता है कुठार आदि के माध्यम से। अगर उससे करण ले लें, करण का प्रयोक्ता ना हो तब छेदता नहीं हो सकता। तो भागवत में लिखा है लक्षण ही अनुमाप कई है, बुद्धि इत्यादि जो करण है ये प्रमाता कर्ता भोक्ता सोपाधिक जीव के अनुमापक हैं। तो करण के द्वारा, क्रिया के द्वारा करण तक पहुंच गए, करण के द्वारा कर्ता तक पहुंच गए, और करण और क्रिया निरपेक्ष कर्ता के द्वारा हम सीधे प्रत्यगात्मा तक पहुंच गए।
और प्रत्यगात्मा के द्वारा परब्रह्म तक पहुंच गए तो भजन और भजनीय पर विचार करने पर भजन के रूप में भी परमात्मा ही होंगे और भजनी के रूप में परमात्मा होंगे। इसलिए अंत में सिद्ध होगा कि उपासना कांड के द्वारा भी भगवान ही एकमात्र उपास्य सिद्ध होते हैं, तात्पर्य सिद्ध होते हैं। ज्ञान कांड में तो स्पष्ट ही है, अब ज्ञान कांड में क्या आवेगा, भजन के स्थान पर ज्ञान ही आ जाएगा और भजनी के स्थान पर ज्ञेय आ जाएगा, वेद्य आ जाएगा, वेदन और वेद्य, ज्ञान और ज्ञेय। तो ज्ञेयम यद तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन न सदुच्यते। तेरा हमें अध्याय के अनुसार विचार करें तो अब ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञाता ये, लेकिन नीचे की चीज को हम ले जाएंगे ऊपर, भजनी के स्थान पर ये दो प्रकार का होता है। एक तो ज्ञान से अवर कोटि का, जैसे घट महम जानामि में घट हो गया ज्ञे कोटि का, लेकिन वेद्यम ज्ञेयम यद तत् प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मृतमश्नुते अवश्य जानिए जानन योग, रामचरितमानस में यहाँ जो ज्ञेय शब्द का प्रयोग किया गया है वो ज्ञान से अवर कोटि का नहीं और ज्ञाता से अवर कोटि का नहीं, जो जानने योग्य है, जिसके जानने बिना भवबंध की निवृत्ति नहीं हो सकती। उस अर्थ में जब हम ज्ञेय शब्द का प्रयोग करेंगे तो भजनीय हो जाएंगे ज्ञेय और भजन हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान से उत्तम भजन क्या होगा, वहाँ पर अपरोक्ष ज्ञान हो गया, वहाँ परोक्ष ज्ञान हो गया तो भजन की सिद्धि हुई, अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो तत्व ज्ञान की सिद्धि हो गई। तो ज्ञान के रूप में भी तो चिपटी से पारंगत जो तत्व है वही तो ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया दर्शन के दो भेद हैं, दृष्टा दर्शन दृश्य। अब एक दृष्टा से ऊपर जो दर्शन है वही दृश्य की उपाधि से मध्य में प्रतीत होता है। दृष्टा दर्शन दृश्य में जो बीच में दर्शन है उस दर्शन को हम ऊपर ले जाना चाहते, दृष्टा से ऊपर, तो वही तो हो गया ना निर्भेद दर्शन, उसका नाम है निर्भेद दर्शन। इसीलिए भागवत में कहा गया वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते यत् अद्वयम् ज्ञानम् तत्तत्वम्। महाराज श्री कहा करते थे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो बीच में ज्ञान है उसका आश्रय ज्ञाता है और विषय ज्ञेय है। अब इस ज्ञान को हम ज्ञाता के ऊपर ले जाएं तो वही तत्व हो गया, आश्रय विषय निरपेक्ष जो ज्ञान है उसका नाम तत्व हो गया, आश्रय विषय सापेक्ष जो ज्ञान है वो तत्व तो है लेकिन तत्व के रूप में उद्भासित नहीं है। उसको तत्व के रूप में उद्भासित करने के लिए श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय का 9वां शायद श्लोक हो, अंतिम अध्याय का एक श्लोक है, एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसी को गौड़ पादाचार्य जी ने लिया, चिपटी अन्योन्य सापेक्ष होती है, चिपटी में एक सामग्री को खिसका देंगे तो शेष दो की सिद्धि नहीं होगी। जैसे मैं पुष्प को जानता हूँ, पुष्प को खिसका दीजिए तो पुष्प का ज्ञान और पुष्प का ज्ञाता नहीं रहेगा। चिपटी में तीनों सामग्री अन्योन्य सापेक्ष होती है, तत्व का लक्षण है निरपेक्ष, त्रिपटी होती है सापेक्ष, त्रिपटी में तीनों सामग्री अन्योन सापेक्ष होती है, तत्व का लक्षण होता है निरपेक्ष। अब क्या करें तो निरपेक्ष के अधिगम के लिए सापेक्ष की अपेक्षा होती है। अगर त्रिपटी ही ना हो तो त्रिपटी से अतीत तत्व के अस्तित्व पर ही, वहां प्रवचन किया था, अस्तित्व पर ही प्रहार हो जाए, है भी या नहीं तो शून्यवाद हो जाए। तो अभिव्यंजक संस्थान त्रिपटी है, उदाहरण बहुत बढ़िया दिया, श्लोक ये दूसरे स्कंध का है, दृष्टांत 12वें स्कंध में भागवत में है, एक ही जगह सारी चीज नहीं मिल जाती। हाँ श्लोक कहाँ पर है, दूसरे स्कंध में, प्रयोग कहाँ पर है, 12वें स्कंध में, लेकिन 12वें स्कंध में दीपक दीप शब्द का प्रयोग किया गया है और मैं उसको सूर्य के रूप में
यहाँ ले रहा हूँ आदिदेव के दृष्टि से, सुगमता हो जाएगी। वहाँ दीप शब्द का प्रयोग किया गया, मैं केवल प्रसंग के बल पर दीप के स्थान पर सूर्य को लेकर आऊँ। एक तत्व लीजिए, तेज नामक तत्व है, तेज एक तत्व है। अब तेजो अनिष्ट गुण विशेष रूप हो गया, नील पीत श्वेत इत्यादि। अच्छा, नेत्र भी तेजस हैं, वैशेषिक न्याय और वेदांत के अनुसार नेत्र तेजस होते हैं। सांख्य योगी से पूछ दिया जाए कि रूप का ग्रहण नेत्रों के द्वारा ही क्यों होता है, तीन बार चक्कर आएगा, कौन दर्शन कहाँ कमजोर होता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कौन दर्शन कहीं कमजोर नहीं होता, किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं होता। एक और उदाहरण दे दें, कर्मकांड को लेकर प्रसिद्धि है पूर्व मीमांसा की, वेदांति बाजी मार गए क्योंकि उनके यहाँ देवता ही बहुत दुर्बल है। अब लीजिए इनके यहाँ, सांख्यों के यहाँ कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ ये सब इनके यहाँ राजस हैं, असत्वा संजायते ज्ञानम, बहुत दुर्बल पक्ष हो गया। वेदांतियों ने कहा नहीं, ज्ञान की सिद्धि सत्वगुण से, जिसके घर की जो चीज मानी जाती है उसके घर में ही कमजोरी आ गई। वो तो ज्ञानेन्द्रिय को भी तेजस मानेंगे, कर्मेंद्रिय को भी तेजस मानेंगे। गीता ने ले लिया, वेदांत ने ले लिया सत्वात् संजायते ज्ञानम। हमारे यहाँ पैंगलोपनिषद सृष्टि की प्रक्रिया बताने वाली एक ही उपनिषद है, पैंगलोपनिषद। ये जितनी पंचीकरण आदि की प्रक्रिया है, पुर्यष्टक इत्यादि की प्रक्रिया है, और कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण की संरचना, पैंगलोपनिषद अगर ना हो तो सारे वेदांत की प्रक्रिया धस हो जाए। लेकिन पैंगलोपनिषद में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आजकल वेदांतियों को पता नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी आजकल वेदांतियों की होती है कि 10 उपनिषद भी नहीं पढ़ते, 108 उपनिषद तो पढ़ने से रहे, इसलिए अपार ज्ञान से वो वंचित रह जाते हैं। तो हमने एक संकेत किया, हमारे यहाँ तो ज्ञानेन्द्रियाँ जो हैं वो सात्विक हैं, सात्विक है, अंतःकरण भी सात्विक है, उनके यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो गुण के वर्णन करने में भी वेदांत जितना उन्नत है उतना सांख्यवादी नहीं। यद्यपि मानव त्रिगुण को पेटेंट कर रखा है सांख्यवादियों ने, लेकिन उनके यहाँ गुण का वो व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त नहीं है जो हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ गुण का व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त है। हमने संकेत क्या किया, जिस जिस दर्शन के जो पक्षधर हैं, वैशेषिकों के, न्यायिकों के, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, योग में भी योग दर्शन को मात करने वाला योग वेदांत में है। इसलिए वेदांत अपने आप में इतना पूर्ण है, बौद्ध दर्शन को भी मात करने की क्षमता वेदांत में है। चार्वाक दर्शन क्या बोलेगा, तैतृय उपनिषद ले लीजिए 5 कोश, वो तो एक कोने में पड़ा रह जाएगा। इसीलिए नास्तिक सिद्धांत को समझने के लिए भी वेदांत बहुत आवश्यक है, और अन्य दर्शनों का परिमार्जन करने के लिए उनके दर्शन में जो प्रमाद है उसका निवारण करने के लिए भी वेदांत का अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो अंत में क्या हुआ, एक तेज नामक तत्व ले लीजिए, तेजो अनिष्ट गुण विशेष रूप हो गए, ये भी तेजस, और नेत्र भी हमारे यहाँ तेजस। अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, यह पैंगलोपनिषद। तो हमारे यहाँ नेत्र भी तेजस, अब रह गए सूर्य तो तेजस है ही। अब नेत्र के सूर्य के बिना भी तेज है, तेज के बिना सूर्य नहीं, अन्वय व्यतिरिक्त सूर्य के भी, अच्छा तेज के बिना नेत्र नहीं, नेत्र के बिना भी तेज है। ऐसे तेज के बिना रूप नहीं, रूप के बिना भी तेज है। तेज तत्व हो गया, एक तत्व को लेकर तृप्ति बन गई, एक तत्व को लेकर तृप्ति बन गई, ऐसे पांचों तत्वों को लेकर तृप्तियां बनती रहती हैं। तो यहाँ विचार यह किया गया, जैसे रूप का भी रूप, नेत्र का भी नेत्र, आदित्य या सूर्य का भी सूर्य तेज सिद्ध हो गया, त्रिपुटी से पारंगत है, और त्रिपुटी की सिद्धि उसके बिना नहीं है, वो त्रिपुटी निरपेक्ष है और त्रिपुटी के रूप में भी है। इसी प्रकार जो अखंड विज्ञान है वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में उल्लसित है। इस प्रकार से जब विचार करेंगे तब वेदांत के द्वारा भी, ज्ञान कांड के द्वारा भी
वेद के रूप में भगवान ही सिद्ध होंगे, हर हर महादेव।